अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में जो हमने अकाउंटिंग को पढ़ा था उसको हम ज़रा आज रिवाइज करेंगे। अकाउंटिंग की एक शॉर्ट डेफिनेशन क्या थी कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सिखाता है, ट्रांजैक्शंस को समराइज करना, क्लासिफाई करना और उनके फाइनल रिजल्ट्स बनाना सिखाता है। ये हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था डेफिनेशन में। उसके बाद अकाउंटिंग में हम जो मेन कॉन्टेक्स्ट हमारा होता है, जो चीज़ हम पढ़ते हैं मेन, वो है मनी, पैसा। ये हमने डिस्कस किया था कि वो तमाम बिजनेस एक्टिविटीज़ जिसके अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पर अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ भी होंगी, और जहाँ पे जिस जगह पे जिस एक्टिविटी में पैसे का मनी का लेन देन नहीं होगा तो वहाँ पे अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ भी मौजूद नहीं होती। तो गोया कि अकाउंटिंग का जो मेन ताल्लुक है वो किस चीज़ से है, वो पैसों के लेन देन से है, चाहे वो कैश पे हो चाहे वो उधार पे हो। फिर पैसे किन किन शक्लों में होते हैं ये हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग में हम ये सीखेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं, जो पैसों के जो इनिशियल नाम होते हैं वो हमने सीखे थे। नंबर वन, सबसे पहले एसेट्स। एसेट्स का मतलब मैंने बताया था हमारे बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली तमाम के तमाम रिसोर्सेज, तमाम की तमाम चीज़ें जो हमने ख़रीदी होती हैं, जिनकी एक प्राइस होती है, जिनकी एक कीमत होती है और उस कीमत के ऊपर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ एसेट्स पढ़े थे। करंट एसेट्स मतलब एसेट्स की आसान डेफिनेशन ये है कि वो हमारी तमाम वो चीज़ें जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हों, फर्नीचर की शक्ल में हो, बिल्डिंग की शक्ल में हो, सामान की शक्ल में हो, मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, पंखे, एसी, जो कुछ आपके बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, कैश, पैसे, ये तमाम चीज़ें एसेट्स कहलाती हैं। एसेट्स की दो टाइप्स होती हैं, करंट एसेट्स यानी ऐसे एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर या तो फिजिकली कंज्यूम हो जाएं या कैश में कन्वर्ट हो जाएं, उनको हम करंट या फ्लोटिंग एसेट्स कहते हैं। दूसरे नॉन करंट एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिनकी लाइफ, जिनकी बेनिफिशियल लाइफ एक साल या एक साल से ज़्यादा होती है। अच्छा, मुझे फर्स्ट ईयर में आज दो स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, एक न्यू स्टूडेंट, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहा हूँ। इन द मीन टाइम आप लोग, अच्छा वो उन्होंने शायद लीव कर दिया, व्हाटएवर, इन द मीन टाइम आप इन चीज़ों को नोट करते रहें, स्क्रीनशॉट्स भी लेके, और उसके साथ साथ आप इसको कॉपी भी मेंटेन करना भी शुरू कर दें। एसेट्स की दो टाइप्स मैंने पढ़ी थी, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। उसके बाद लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ की दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, जिसकी पेमेंट की ड्यूरेशन विद इन वन ईयर होती है। ऐसी लाइबिलिटी जो हमें एक साल के अंदर अंदर पे करनी है वो क्या कहलाती है, वो करंट लाइबिलिटी कहलाती है। इसी तरीके से ऐसी लाइबिलिटी जो हमें मोर देन वन ईयर, एक साल से ज़्यादा अर्सा इस्तेमाल करनी होती है उसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। एक साल से ज़्यादा अरसे में उसकी पेमेंट करनी होती है उसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल का मतलब मैंने बताया था कि ओनर के अपने पैसे जो अपनी जेब से वो इन्वेस्ट करता है। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस का हमने जिक्र किया था, कारोबार में होने वाले खर्चे जिनका मकसद मुनाफा कमाना होता है, रेवेन्यू जनरेट करने की नीयत से जो आप खर्च करते हैं उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। उसके बाद है रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब जो प्रोडक्ट हम कस्टमर्स को सेल करेंगे उन प्रोडक्ट्स की जो प्राइस होती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। ये हमने बेसिक पढ़ा था। उसके बाद टाइटल ऑफ अकाउंट हमने डिस्कस किए थे डिटेल में, टाइटल ऑफ एसेट्स हमने डिस्कस किए थे, एसेट में क्या क्या शामिल होता है, एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया था विद नोट्स, विद रिटन नोट्स। आगे चलते हैं, आज हम बात करेंगे लाइबिलिटीज़ के, लाइबिलिटीज़ के टाइटल यानी लाइबिलिटी किस किस नाम से हमारे सामने आ सकती है। तो लाइबिलिटीज़ के जो टाइटल हैं हमारे पास, एक अकाउंट्स पेबल, एक वर्ड हमने पढ़ा था एसेट्स में जिसका नाम था अकाउंट्स रिसीवेबल। इसका मतलब मैंने बताया था कि अगर आप किसी कस्टमर को कोई चीज़ बेचते हो और आपने उससे पैसे लेने हैं, कस्टमर को आपने उधार पे कोई चीज़ बेची, ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट आपने कोई चीज़ बेची, कस्टमर ने आपको अभी तक पैसे नहीं दिए, वो पैसे आपने कस्टमर से वसूल करने हैं, लेने हैं, लेने वाले पैसों को हम क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। अब अगर उल्टा हो जाए, हम खरीदने वाले हों, हम उधार पे कोई चीज़ खरीदें, हमें अपने जिससे खरीदते हैं उसको सप्लायर कहते हैं,
ठीक है, जिससे सामान खरीदते हैं उसको सप्लायर कहते हैं या क्रेडिटर कहते हैं, और जिसको सामान बेचते हैं उसको कस्टमर या क्लाइंट कहते हैं। तो अगर हम कस्टमर को बेचते हैं सामान तो हमें कस्टमर से पैसे लेने होते हैं, वो अकाउंट्स रिसीवेबल कहलाएगा। और अगर हम अपने सप्लायर से, अपने क्रेडिटर से माल खरीदें उधार पे, तो हमें क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं, वो पैसे हमारे लिए अकाउंट्स पेएबल कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमने एक वर्ड पढ़ा था नोट्स रिसीवेबल। नोट रिसीवेबल का मतलब मैंने बताया था आपको कि इन राइटिंग, अगर आपको आपका कस्टमर इन राइटिंग प्रॉमिस लिख के दे, रिटर्न प्रॉमिस लिख के दे कि उसने आपको पैसे देने हैं, तो वो हमारे लिए नोट रिसीवेबल कहलाता है। अब अगर उल्टा हो जाए, हम उधार पे कोई चीज खरीद रहे हैं और हम पेमेंट का वादा कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? नोट्स पेबल कहलाएगा। ठीक हो गई बात। इसी तरह एक वर्ड इसमें आ रहा है accrued expense। accrued expense की मीनिंग होते हैं ऐसा एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारा हो जाता है, खर्चा हमारा हो जाता है, लेकिन हम उसकी पेमेंट नहीं करते, अनपेड होता है, उसको हम कहते हैं accrued expense, उसको हम कहते हैं outstanding expense, उसको हम कहते हैं unpaid expense। इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग फिलहाल आप यूं समझ ले कि सेम है। accrued expense, outstanding expense, unpaid expense means कि हमारा खर्चा हो गया, हमने उसकी पेमेंट नहीं की। मिसाल के तौर पे हमने एक मुलाजिम से, एक एम्प्लॉय से पूरा महीने काम लिया, हमारा एक्सपेंस हो गया, उसने हमारा काम किए, हमारा खर्चा हो गया, लेकिन हमने उसको सैलरी पे नहीं की, हमने उसको तनख्वाह पे नहीं की। अब ये हमारी लाइबिलिटी है कि हम उसको वो सैलरी पे करेंगे, यानी हमने उससे सर्विसेज ले दी, हमारा एक्सपेंस हो गया और हमने उसको सैलरी पे नहीं की है, हमने उनसे सर्विसेज ले ली हैं तो हमारा एक्सपेंस बन गया, और हमने उसको सैलरी पे नहीं की, इसका मतलब ये हमारा अनपेड एक्सपेंस हुआ, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। या हमने एक शॉप रेंट पे ली, पूरा महीना दुकान ने गुजार लिया, तो पूरा महीना आपने गुजार लिया, टाइम स्पेंड हो गया, तो ये आपका एक्सपेंस हो गया, लेकिन आपने चूंकि इस एक्सपेंस की पेमेंट नहीं की, अब आपकी लाइबिलिटी ये कि आपने इसकी पेमेंट करनी, इसको हम क्या नाम देंगे? लाइबिलिटी का नाम देंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट आप उसको कह सकते हो, अनपेड रेंट कह सकते हो, एक्रूड रेंट कह सकते हो, इन तीनों का मतलब सेम बनता है। अच्छा जी, इसी तरह एक वर्ड आ रहा है अनअर्नड इनकम। अनअर्नड का मतलब देखिए, एक चीज होती है अर्न करना, अर्न मीन्स आपने पैसे कमा लिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फर्ज किया मैं एक लॉयर हूँ, एक वकील हूँ, और मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने मुझसे कुछ सर्विस ली, कोई एग्रीमेंट प्रिपेयर करवाया या कोई दूसरा लीगल सर्विस उसने मुझसे ली, और उसके बदले उसने मुझे पैसे दे दिए, ये है मेरी इनकम। इनकम कैसे हो गई कि दोनों तरफ का काम हो गया, मैंने सर्विसेज दे दी, उसने पैसे दे दिए, तो ये पैसे जो मैंने वसूल किए अपने क्लाइंट से, ये मेरे लिए इनकम है। अब अगर मेरा क्लाइंट मुझे एडवांस में कुछ पैसे दे दे, यानी पैसे तो मैंने तो वसूल कर लिए, अमाउंट तो मैंने रिसीव कर लिया, लेकिन उसके बदले मैंने अपनी सर्विसेज नहीं दी, तो इसका मतलब अमाउंट तो मेरे पास आ गया, कैश तो मेरे पास आ गया, लेकिन चूंकि मैंने अपनी सर्विसेज नहीं दी हैं, तो ये पैसे मैंने अर्न नहीं किए, ये अनअर्न अमाउंट कहलाएगी। ठीक है ना। अब देखें, एक लफ्ज मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद हो, एसेट्स के अंदर प्रीपेड, ठीक है ना, प्रीपेड का मतलब एडवांस पेमेंट करने वाला, और अनअर्न का कंसेप्ट क्या है? एडवांस पेमेंट लेने वाला। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर मेरी एक बिल्डिंग है और उसके अंदर एक किरायेदार रहता है, उस किरायेदार ने मुझे जुलाई का रेंट आने वाले महीना, अभी जून चल रहा है, जुलाई का रेंट उसने मुझे पे कर दिया, जुलाई की पहली तारीख को उसने तो पे कर दिया, उसके लिए क्या बन गया? प्रीपेड। ठीक है, अब मैंने रिसीव कर लिया, मेरे लिए क्या बन जाएगा? अनर्न बन जाएगा। उसके लिए प्रीपेड है बिकॉज वो पेमेंट कर चुका है, लेकिन उसने अभी सर्विसेज नहीं ली, तो वो उसका एसेट है। मेरे लिए वो क्या है? लाइबिलिटी है कि मैं कैश रिसीव कर चुका हूँ, लेकिन उसके बदले मैंने उसको बिल्डिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कस्टमर जितने पैसे आपको एडवांस देंगे और आप उसके बदले प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, बाद में बेचेंगे,
वो क्या कहलाएंगे आपके लिए, अनअर्नड कहलाएंगे, ठीक है ना। एक लव्स, इसका एक और भी कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने बताया था ना अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब मैंने क्या बताया था कि हमने कस्टमर को उधार पे सामान बेचा। क्या मतलब हुआ कि मैंने सामान बेच दिया, मैंने सामान कस्टमर के हवाले कर दिया, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो ये अकाउंट रिसीवेबल कहलाएगा। मैंने सामान बेच दिया, उसने पैसे नहीं दिए, ये अकाउंट रिसीवेबल हो गया। इसको उल्टा कर लें कि मैं सामान ना बेचूं और वो पैसे दे दे एडवांस में, अकाउंट रिसीवेबल को उल्टा कर लें, ठीक है ना। अकाउंट रिसीवेबल में क्या होता है कि बेचने वाला सामान बेच देता है, लेने वाला पैसे नहीं देता। अब इस कंसेप्ट को उल्टा करने कि जो कस्टमर है वो पैसे दे देता है, सेलर ने सामान नहीं बेचा, तो वो क्या बन जाएगा, अनअर्न इनकम, ये लायबिलिटी है। अब फॉर एग्जांपल मेरे कस्टमर ने मुझे 10,000 रुपये एडवांस दे दिए कि सामान मैं आपसे अगले महीने लेके जाऊंगा, 10,000 आप एडवांस रख लो, तो 10,000 कैश तो मैंने रिसीव कर लिया, मेरे पास 10,000 का कैश आ गया, लेकिन चूंकि उस 10,000 के बदले मैंने कुछ बेचा नहीं है, कुछ दिया नहीं है अपने कस्टमर को, तो ये 10,000 मेरे ऊपर लाइबिलिटी है कि मैंने अगले महीने 10,000 का माल अपने कस्टमर को बेचना है, तो ये मेरे ऊपर क्या स्टैंड करेगी, एज अ लाइबिलिटी स्टैंड करेगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, एनी क्वेश्चन, क्लियर है? अच्छा जी, अनअर्नड का कंसेप्ट मैं दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन ने कहा कि नो, अनअर्नड का मतलब ये हुआ कि वो पैसे जो हमें एडवांस मिल गए हैं लेकिन उसके बदले हमने कुछ चीज बेची नहीं है, वो क्या कहलाएगा, अनअर्न इनकम कहलाएगी। वो पैसा जो हमारे ऊपर फ्यूचर की लायबिलिटी है, पैसे तो हमने रिसीव कर लिए लेकिन उसके बदले हम अपनी सर्विसेज अगले महीने में देंगे, ठीक है। जैसे आप अपने कॉलेज की फीस एडवांस पे कर देते हैं, आपने तो एडवांस पे कर दिया, आपके लिए प्रीपेड हो गया, लेकिन जो कॉलेज वाले हैं अब ये उनकी लाइबिलिटी है कि वो एक महीने तक आपको पढ़ाएंगे उस फीस के बदले। अब बात समझ में आ गई? अच्छा जी, आगे चलते हैं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये भी सेम कंसेप्ट है, अनअर्नड का या एडवांस का सेम कंसेप्ट है। अनअर्न या एडवांस का जो कंसेप्ट है वो सेम है। जी आपको स्क्रीन सामने नजर आ रही, अच्छा जी, अनअर्न का या एडवांस का सेम कंसेप्ट है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि हम बैंक से लोन लेते हैं लेकिन छोटे अरसे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, थोड़े से अरसे के लिए, एक महीने के लिए, 20 दिन के लिए हम बैंक से लोन लेते हैं और उसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इसी तरह बैंक लोन, बैंक लोन जो होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, लंबे अरसे के लिए होता है, उस लोन की पेमेंट हम करेंगे आफ्टर मोर देन 1 ईयर, तो इस तरह की पेमेंट को हम क्या कहते हैं, बैंक लोन कहते हैं। ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बॉन्ड्स पेबल, बॉन्ड का मतलब कि आपने एक रिटर्न प्रॉमिस किया है, यहाँ पे रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हैं फॉर मोर देन 1 ईयर। नोट्स पेबल में आपका रिटर्न प्रॉमिस लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, बॉन्ड्स में आपका जो टाइम पीरियड है वो मोर देन 1 ईयर होता है। बॉन्ड्स या डिवेंचर, बॉन्ड्स या डिवेंचर में जो हमारा पेमेंट की प्रॉमिस होती है दैट इज फॉर मोर देन 1 ईयर। वी मेक प्रॉमिस फॉर पेमेंट विच विल बी मेड आफ्टर मोर देन 1 ईयर। हम एक ऐसा वादा करते हैं पेमेंट का जिसमें हम 1 साल से ज्यादा अदायगी करेंगे, उस वादे नामे को हम कहते हैं बॉन्ड्स पेबल, ठीक है बेटा। ये सारी के सारी आपकी क्या है, लाइबिलिटीज है। अब तक हमने क्या पढ़ा,
हमने एसेट्स के टाइटल ऑफ अकाउंट्स पढ़े जो जनरली जो नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एसेट हर बिजनेस के अंदर उसके नेचर के अतबार से अलग अलग नामों से हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो इस्तेमाल होने वाले टर्म्स हैं फिलहाल इनिशियल लेवल पे, फर्स्ट ईयर के लेवल पे, वो मैंने आपको समझा दी। इसी तरह जो जनरली लाइबिलिटीज के नाम होते हैं, लाइबिलिटीज के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो मैंने आपको समझा दिए। अब चलते हैं जरा एक्सपेंसेस की तरफ। हमने देखे पांच हेड्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो, ALCER, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। तो तीसरी नंबर पर जो बारी आती है एसेट्स और लाइबिलिटीज के बाद, वो कैपिटल की आती है। कैपिटल एक ऐसी चीज है कि इसका एक ही टाइटल ऑफ अकाउंट है जिसको हम कैपिटल कहते हैं, यानी कि ये हेड ऑफ अकाउंट भी है, बेसिक हेड ऑफ अकाउंट है, बेसिक एलिमेंट ऑफ अकाउंट भी है, और ये बेसिक टाइटल भी है, ठीक है ना। इसलिए मैंने कैपिटल को यहाँ पे नहीं लिखा। कैपिटल एक ही चीज होती है, टाइटल भी वही है और हेड ऑफ अकाउंट भी वही है। अब चलते हैं एसेट्स के बाद, कैपिटल के बाद हम चलते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। हमारे बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, उन एक्सपेंसेस के नाम हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, रेंट एक्सपेंस। जैसा कि नाम से जाहिर है, अगर हमने अपना ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है, या अपनी शॉप, या अपनी फैक्ट्री, या कोई भी बिजनेस प्लेस जो हमारा है उसको रेंट पे लिया हुआ है, उसका जो रेंट हम देंगे वो हमारा एक्सपेंस है। सैलरीज एक्सपेंस, हमने कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है उसको हम सैलरी पे करेंगे, वो हमारा एक्सपेंस है। यूटिलिटीज एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस का मतलब होता है आपके बिजनेस प्लेस का जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी या गैस का बिल, या वहां पे इस्तेमाल होने वाले पानी का बिल, गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों के बिल को मिला के हम टेक्निकली अकाउंटिंग की जबान में कहते हैं यूटिलिटीज एक्सपेंस। तो यूटिलिटीज एक्सपेंस का मतलब हुआ बिजली, पानी, गैस का बिल। उसके बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में हमारा पूरा चैप्टर है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे आपको जनरली इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता दूं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हमारे नॉन करंट एसेट जो होते हैं, यानी जिसको हमने एक साल से ज्यादा अरसे इस्तेमाल करने का प्रोग्राम बनाया है, उन एसेट की कीमत में आहिस्ता आहिस्ता कमी आती है, उस कमी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। मिसाल के तौर पे अगर भाई यूं कहूं कि मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए एक मशीन खरीदी आज ब्रांड न्यू 5 लाख रुपए की, ठीक है, 5 लाख रुपए उसकी कीमत है, और मेरा अंदाजा ये है कि मैं उस एसेट को इस्तेमाल करूंगा 4 साल, 4 साल के बाद मैं उसको बेच के नई मशीन ले लूंगा। तो आज वो मशीन मैंने खरीदी है 5 लाख रुपए की, क्या 1 साल के बाद वो 5 लाख की होगी? नहीं होगी ना, कीमत में कमी आ जाएगी। क्या 2 साल बाद वो 5 लाख की होगी, या 3 साल बाद वो 5 लाख की ही रहेगी, इसकी कीमत में कमी नहीं आएगी? ऐसा नहीं है, कीमत में कमी आएगी। उस कीमत में होने वाली कमी को अकाउंटिंग की जबान में हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। यानी हमारे जो नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स नहीं, नॉन करंट जो एसेट जो होते हैं उनकी कीमत में जो कमी आती है इस्तेमाल की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसी तरह इंश्योरेंस, हम अपने बिजनेस की इंश्योरेंस करवाते हैं कि अगर हमारे बिजनेस में आग लग जाए, चोरी हो जाए, इस तरह के खतरात जो मौजूद होते हैं उनसे निपटने के लिए हम बिजनेस की इंश्योरेंस करवाते हैं, और इंश्योरेंस के बदले हम इंश्योरेंस कंपनी को एक अमाउंट पे करते हैं, उसको हम इंश्योरेंस एक्सपेंस कहते हैं। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज का वर्ड हमने पढ़ा था एसेट्स के अंदर, अगर आपको याद हो, ऑफिस सप्लाईज का वर्ड हमने पढ़ा था एसेट्स के अंदर, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑफिस सप्लाईज का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, स्टेशनरी आइटम फॉर द ओन यूज। हमारे ऑफिस में जितने भी स्टेशनरी आइटम्स हैं, फाइल कवर है, रजिस्टर्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं, स्केल है, ठीक है, स्टेपलर मशीन, पंच मशीन, ग्लू, ये जितनी चीज़ें आपको इस्तेमाल होती हुई नज़र आई हैं उनको हम ऑफिस सप्लाईज कहते हैं। तो जब आहिस्ता आहिस्ता हम इनको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो उनकी कीमत में कमी आना शुरू हो जाएगी, जिसको हम नाम देंगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का नाम देंगे। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, स्टेशनरी का सामान अगर हम कंज्यूम कर लें, इस्तेमाल कर लें, खर्च कर लें, उसके बाद जितना पैसा उसमें से खर्च हो जाता है उसको हम क्या मानते हैं,
अपने पास एक्सपेंस मान के रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस कहते हैं। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसके अंदर। आगे चलें, ओके आगे चलते हैं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके ऑफिस में कोई कस्टमर आ जाए, आप उसको चाय पिला दें, कोल्ड ड्रिंक पिला दें, लंच करवा दें, इसको अकाउंटिंग की जबान में हम कहते हैं एंटरटेनमेंट। यानी कि कोल्ड ड्रिंक, टी, लंच वगैरह के जो पैसे होते हैं उसको एंटरटेनमेंट कहते हैं। लीगल एक्सपेंस, अगर आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, उनके पैसे। कम्युनिकेशन एक्सपेंस, यानी अगर आपके बिजनेस में कोई कम्युनिकेशन हो रही है मोबाइल फोन के जरिए, इंटरनेट के जरिए, फैक्स के जरिए, टेलीफोन वगैरह के जरिए, उनको कम्युनिकेशन एक्सपेंस कहते हैं। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का वर्ड हमने डिटेल में डिस्कस किया था, मर्चेंडाइज का वर्ड हमने डिटेल में डिस्कस किया था कहाँ पे, एसेट्स के अंदर। मर्चेंडाइज का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, मर्चेंडाइज के मीनिंग मैंने आपको बताए थे कि मर्चेंडाइज का मतलब होता है वो तमाम चीजें जो हम बेचने की नीयत से खरीदते हैं। यानी वो तमाम चीजें जो हमने इस इरादे से खरीदी हैं कि बाद में जाके हम उनको बेचेंगे, बेचने की नीयत से खरीदी गई चीज क्या कहलाती है, मर्चेंडाइज कहलाती है। द गुड्स विच आर परचेज्ड विच आर केप्ट विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल, ऐसी चीजें जो हम दोबारा बेचने की नीयत से खरीदते हैं या रखते हैं अपने बिजनेस के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, मर्चेंडाइज कहते हैं। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मींस वो तमाम चीजें जो हमारे बिजनेस के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। जब उनको हम खरीदते हैं, देखें ना, अगर मिसाल के तौर पे मेरा जनरल स्टोर है, मैं पहले कुछ सामान खरीदूंगा, जी कुछ क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट के मेरे एक जनरल स्टोर है, मैं पहले चीनी की एक बोरी खरीदूंगा और फिर उस चीनी की बोरी में से चीनी बेचूंगा। तो जब मैं चीनी की बोरी खरीद रहा होता हूँ, उसको कहते हैं परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, और जब उसमें से चीनी को बेचूंगा तो उसको कहते हैं सेल ऑफ मर्चेंडाइज। ठीक है, पहले हम परचेज करते हैं मर्चेंडाइज को, जो सामान हमें दूसरों को बेचना है पहले हम खुद खरीदेंगे, बाद में उसको बेचेंगे, दैट इज कॉल्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। आगे चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से मुराद सामान को सुजुकी में या किसी और चीज के अंदर डाल के लेकर जाना। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि एक ऑप्शन बैनर पे लिखा होता है फ्री होम डिलीवरी। फ्री होम डिलीवरी का मतलब क्या है, आप सामान दुकान से खरीदें, वो आपके घर पे मुफ्त में पहुंचा दिया जाएगा, आपसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा उसका। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका किराया देगा कौन, उसका किराया दुकान वाला देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप और करें, सामान हम खरीदते हैं सदर में और हमारी दुकान है गुलशन अदीद में, तो सदर से लेके गुलशन अदीद तक लाने में जितना खर्चा होगा वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। सामान खरीद के लाने पे जो खर्चा होगा उसको ट्रांसपोर्टेशन इन कहते हैं, और सामान खरीद के बेचने पे जो खर्चा होगा उसको ट्रांसपोर्टेशन आउट, यानी कस्टमर तक पहुंचाना है तो ये ट्रांसपोर्टेशन आउट है, और खुद खरीद के लाना है तो ये ट्रांसपोर्टेशन इन है। किराया लगता है सुजुकी का, ट्रक का, ट्राले का, उसके बारे में सेल्समैन कमीशन अगर हम, या इंसेंटिव्स, अगर हमने अपने पास सेलमैन रखा हुआ है और उसको हम कमीशन दे देंगे, भाई अगर तुम वो चीज़ बेच के लाओगे, हमारी चीज़ बेचोगे तो जितना प्रॉफिट होगा उसमें 20% तुम्हारा होगा, 80% हमारा होगा, इसको कमीशन कहते हैं। वो कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सैलरी बने, इसको हम कमीशन कहते हैं, ये हमारा एक्सपेंस होता है। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, हम अपने दुकान की, अपने बिजनेस की मशहूरी करवाते हैं केबल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, पंपलेट्स के थ्रू, बैनर्स, पैनाफ्लेक्स, साइन बोर्ड्स, ये सारे खर्चे हम कहते हैं करते हैं जिसको हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। बैड डेट्स एक्सपेंस, बैड डेट्स का मतलब होता है कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल था, कस्टमर से पैसे लेने थे, लेकिन कस्टमर हमारे पैसे नहीं दे रहा किसी वजह से, कस्टमर ने हमारे पैसे खा लिए समझ ले, तो जिसको हम क्या नाम देंगे, बैड डेट्स एक्सपेंसेस का नाम देंगे। तो बैड डेट्स का मतलब हुआ वो तमाम खर्चे, वो तमाम पैसे जो हमने कस्टमर से लेने थे लेकिन कस्टमर वो नहीं दे रहा, पैसे हमारे फंस गए,
कस्टमर के पास, उधार हमने बेचा कस्टमर को और कस्टमर वो उधार हमारा वापस नहीं कर रहा, तो उसको अकाउंटिंग की जबान में इस तरह के खर्चे को क्या कहते हैं, बैड डेट एक्सपेंस कहते हैं। फ्यूल चार्जेस, अगर हमारे ऑफिस की कोई गाड़ी है या हमारे सेल वाला कोई जाता है मोटरसाइकिल पे कोई चीज बेचता है, उसको हम पेट्रोल वगैरह डलवा के देते हैं, तो उसको फ्यूल, ये भी हमारा एक्सपेंस है, फ्यूल चार्जेस भी हमारा एक्सपेंस है। इसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस, जब हम बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो उस लोन पे हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम क्या कहते हैं, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसी तरह टैक्सेस, हमारे बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट को हमें मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस पे करने होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, टैक्स एक्सपेंस कहते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक बेटा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्सपेंसेस में मुख्तलिफ नाम मैं आपको बताता जा रहा हूँ, टाइटल्स मैंने एक्सप्लेन कर दी। एनी क्वेश्चन हेयर, एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, ओके, आगे चलते हैं बेटा। आखिरी टाइटल ऑफ अकाउंट, देखिए हमने टाइटल ऑफ अकाउंट स्टार्ट किए थे, एसेट्स के टाइटल हमने पढ़े, लाइबिलिटीज के टाइटल ऑफ अकाउंट हमने पढ़े, कैपिटल का टाइटल ऑफ अकाउंट एक ही होता है, फिर हमने एक्सपेंसेस के टाइटल ऑफ अकाउंट पढ़े। आखिरी चीज हमारे पास है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब मैंने बताया था हमारी कमाई का जरिया, हम कैसे पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने के अंदाज क्या क्या हो सकते हैं। तो रेवेन्यूज में हमारे पास जो चीजें शामिल होती है, सेल ऑफ मर्चेंडाइज। देखिए मर्चेंडाइज का मतलब मैंने क्या बताया था बार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा अकाउंटिंग में मर्चेंडाइज, बहुत सारे चैप्टर्स में ये वर्ड इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको अभी से समझ लीजिए। मर्चेंडाइज का मतलब होता है जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं, जो प्रोडक्ट हम दूसरों को सेल करते हैं, वो मर्चेंडाइज कहलाती है, ठीक है। तो मर्चेंडाइज पहले हम परचेज करते हैं, जब परचेज करते हैं हमारी जेब से पैसा जा रहा होता है, तो परचेज ऑफ मर्चेंडाइज को हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, और जब बेचेंगे तो पैसा वापस हमारे जेब में आएगा, उस पैसे को हम कहते हैं सेल ऑफ मर्चेंडाइज, जो हमारा रेवेन्यू होता है, ठीक है। मर्चेंडाइज बेच के आप कस्टमर से पैसे लोगे, ये आपकी इनकम का जरिया बनेगा। इसी तरीके से रेंट इनकम, कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है, जायदाद होती है, घर होते हैं, वो घर किसी को किराए पे दे देते हैं, या दुकानें होती हैं, दुकानें किसी को किराए पे दे देते हैं, जमीन किराए पे दे देते हैं और रेंट वहां से लेते रहते हैं, ठीक है ना। तो जो किरायादार है उसके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, और जो बिल्डिंग का मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, उसके लिए वो क्या है, रेंट इनकम है। तो दुनिया का उसूल ये है कि एक आदमी का खर्चा किसी और की इनकम होती है, ठीक है, और किसी और का खर्चा हमारी इनकम होती है। अब मैं जो पैसे कमा रहा हूँ ये मेरी इनकम है, और जो पैसे मैं खर्च करूंगा मेरा एक्सपेंस बन जाएगा। मैं सैलरी लेता हूँ, सैलरी मेरे लिए रेवेन्यू है, पर्सनल लेवल पे, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं सैलरी लेता हूँ, सैलरी मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू है, और उस सैलरी में से मैं खर्चे करता हूँ वो मेरा एक्सपेंस बन जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम बात करेंगे सर्विस इनकम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्विसेज की बेस पे पैसे कमाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था डॉक्टर्स, ठीक है, कंसल्टेंट्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, ऐसे लोग जो स्पेशलाइज सर्विसेज देते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडर्स, गैस कंपनीज जो होती हैं, ये सारे के सारे सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं। उसके बाद फी या कमीशन, ये भी सारा का सारा सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस में होता है। रिपेयर इनकम, जो मैकेनिक्स वगैरह होते हैं, जो गाड़ियाँ और चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, इलेक्ट्रिकल चीज़ें रिपेयर करते हैं, उनके पैसे कमाते हैं। कंसल्टेशन इनकम, जो मशवरे देते हैं अपनी महारत और तजर्बे की बुनियाद पे, वो मशवरे के बदले फीस लेते हैं। ब्रोकरेज इनकम और कमीशन इनकम, जो लोग अपने खिदमात फराहम करते हैं सेलर और बायर को, उनसे पैसे लेते हैं। इसी तरह कार्गो इनकम, उसको कहते हैं जो आप सुजुकी में गाड़ी में या फिर हवाई जहाज में, बहरी जहाज में जो सामान लेके जाते हैं, उसको हम कार्गो इनकम कहते हैं। ये हमारे कमाई के जरिए हैं। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे टाइटल ऑफ अकाउंट अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी, किस किस के टाइटल ऑफ अकाउंट, मैंने आपको टाइटल ऑफ अकाउंट एक्सप्लेन की एसेट्स के, लाइबिलिटीज के, एक्सपेंसेस के और रेवेन्यूज के। ये सारे के सारे जो आपके फर्स्ट ईयर की बेटा अकाउंटिंग है, वो इन्हीं टाइटल ऑफ अकाउंट्स पे बेस करती है। अगली क्लास में आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा यकीनन, अगली क्लास में जब आप आए तो कोशिश कीजिएगा बेटा कि आपको टाइटल ऑफ अकाउंट
अच्छी तरीके से याद हो। नेक्स्ट क्लास में जब इंशाल्लाह हम ऑनलाइन होंगे तो आप सबको टाइटल ऑफ अकाउंट्स अच्छी तरह से याद होने चाहिए, फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे आगे के रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को एंड करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, और जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।